आज हम डे 149 में 149 में कक्षा 12 के सिलेबस में रे ऑप्टिक्स की बात कर रहे हैं। रे ऑप्टिक्स में हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर चल रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना विचलन तथा न्यूनतम विचलन। प्रिज्म चल रहा है हमारा, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है 2021 के लिए, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है इस चैप्टर का ये मान लिया, जिसमें दो तीन बातें हमने दो तीन क्लासेस में किए, टुकड़ों में हम कर रहे हैं इन चीजों को, ताकि आप स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझ जाए। सबसे पहले तो आपको प्रिज्म के बारे में पता होना चाहिए जो डे 146 में 146 में, उसके बाद में फिर प्रिज्म के बारे में एक दो बातें और की थी, रिलेशन की थी जो 147 में, फिर एक बात और की थी जो 148 में है। अब हम आगे इसमें विचलन और न्यूनतम विचलन लेते हैं। ये जो पार्ट है वो थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों में है, ये बात आप ध्यान रखें। प्रैक्टिकली वीडियो एक दो दिन में वो भी शूट करके डाल देंगे हम, जिससे आपको पता चलता है प्रैक्टिकल भी कैसे करना है। प्रैक्टिकल में ये जो बातें हम आज पढ़ेंगे वो बातें प्रैक्टिकल में लिखनी है, वो ग्राफ हमें प्रैक्टिकल में बनाना है, और हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी उसमें आपतन कोण और विचलन कोण के मध्य। आपतन कोण हम लेकर चलेंगे, विचलन कोण हमें ज्ञात करना है एक्सपेरिमेंट से, जो कैसे ज्ञात करते हैं वो हम बात करेंगे। विचलन के बारे में जैसे पढ़ चुकी हैं पहले, प्रिज्म के बारे में हमने पढ़ लिया डे 146 से, तो 146 से अगर नहीं देखा है तो 146 से अब तक की लगातार देख लें आप, तो दिक्कत नहीं है। विचलन क्या है? आपतित किरण जो प्रकाश आपतित होता है प्रिज्म पे, वो अपवर्तन के बाद पहले अंदर जाता है, फिर अपवर्तन होता है और फिर दूसरी ओर से बाहर निकल जाता है। तो आपतित किरण नहीं मुड़े तो ऐसी जाती, लेकिन बाहर निकलने वाली किरण निर्गत किरण है वो इधर से बाहर निकल जाती है, तो वो जानी ऐसे चाहिए थी लेकिन जा ऐसे रही, इतनी मुड़ गई। अब जितनी मुड़ गई, जानी ऐसे चाहिए थी इधर मुड़ गई, ये जो कोण है बीच का ये क्या कहलाता है? विचलन कोण। डिफाइन कैसे करते हैं? आपतित किरण और निर्गत किरण के मध्य बनने वाला कोण विचलन कोण। सीधी सी परिभाषा एक लाइन में बता सकते हैं, आपतित किरण और निर्गत किरण के मध्य बनने वाला कोण विचलन कोण कहलाता है। अब क्या आता है न्यूनतम विचलन? क्या होता है? सबसे पहले तो विचलन क्या होता है, आपतित किरण एवं निर्गत किरण के मध्य कोण क्या कहलाता है? विचलन कोण कहलाता है। डायग्राम फिर वही बढ़ा लेते हैं, वही डायग्राम बढ़ा रहे हैं हम, हमने बात कर ली है दो तीन क्लास में लगातार, एक ही डायग्राम है उसको आप ध्यान से समझ लें एक बार अच्छी तरह से। वही डायग्राम हम हर जगह यूज कर रहे हैं, उसके अलावा हम कोई बात नई बात यूज नहीं कर रहे हैं, उसी में जो भी कंसेप्ट अप्लाई कर रहे हैं वो उसी में अप्लाई कर रहे हैं, तो वही डायग्राम है हमारे पास। आपको प्रैक्टिकल में भी ये डायग्राम बनाना है, प्रैक्टिकल में भी जब आप फाइल बनाएंगे तो फाइल में भी आपको व्हाइट पेज पे जो डायग्राम बना दे उसके अंदर ये डायग्राम हमें बनाना है। वही ट्राइंगल है एबीसी है ये प्रिज्म, और ये जो प्रिज्म एंगल है जिसको हम कैपिटल ए से लेते हैं लेबोरेटरी में, जो यूज करते हैं लैब में प्रैक्टिकल में, उसके लिए एक अमान 60 डिग्री होता है क्योंकि उसकी सारी भुजाएं बराबर होती है। ये आपतन कोण है, आपतित किरण है, ये आपतित किरण का अभिलंब से बढ़ाया गया कोण आपतन कोण है, ये विरल माध्यम है इधर, ये सघन माध्यम है। सारी बातें पढ़ चुके हैं, शायद चौथी बार पढ़ रहे हैं हम। नहीं मुड़े प्रकाश किरण तो इधर जानी चाहिए थी, लेकिन जब विरल से सघन में जाती है इसका अपवर्तनांक म्यू है, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, इधर मुड़ जाती है ये टुवर्ड्स नॉर्मल, इसको हमने नाम दिया था R1। और इसके बाद में फिर दूसरी सतह पर आपतित होती है, और दूसरी सतह पर फिर अपवर्तनीय घटना होती है और फिर बाहर निकल जाती है। तो यहां जब अपवर्तन होता है तो वो इसके अभिलंब के अनुसार होता है, ये इसका अभिलंब है, अभिलंब से ये बनने वाला कोण R2 है, और यहां से जब सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है, इधर से जाती है। ये जो कोण बनता है अभिलंब के साथ निर्गत किरण का, ये निर्गत कोण कहलाता है, एंगल ऑफ एमिशन। अब इसको अगर पीछे बढ़ाए तो हमें पता चला है कितनी मुड़ी, जानी तो इधर चाहिए थी लेकिन जा इधर रही है, तो ये जो कोण है वो क्या है? डेल्टा है। इसलिए हमने क्या लिखा? आपतित किरण और निर्गत किरण के मध्य बनने वाला कोण क्या कहलाता है? विचलन कोण कहलाता है, डेल्टा। एक बात
दूसरी बात इसके अंदर अब न्यूनतम विचलन क्या होता है, देखो विचलन कोण का मान आपतन कोण पे निर्भर करता है, डेल्टा का मान किस पे डिपेंड करता है, आई पे डिपेंड करता है, प्रूफ भी करेंगे इस बात को, डेल्टा का जो मान है वो किस पे डिपेंड करता है, आई पे डिपेंड करता है, विचलन कोण का मान आपतन कोण पर निर्भर करता है पहली बात। दूसरी बात जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ता है वैसे वैसे विचलन कोण का मान कम होता है, जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ता है वैसे वैसे विचलन कोण का मान कम होता है, एक स्पेसिफिक आपतन कोण पर एक विशेष आपतन कोण पर विचलन कोण का मान न्यूनतम हो जाता है, सबसे कम हो जाता है, जो मान ले रहे हैं उसमें सबसे कम हो जाता है, उसके बाद में फिर और बढ़ाते हैं आपतन कोण का मान तो विचलन कोण वापिस बढ़ने लगता है, इसलिए आपतन कोण का वह मान जिसके लिए विचलन न्यूनतम हो जाता है उसे कहते हैं न्यूनतम विचलन कोण, और ये जो स्थिति है उसे कहते हैं न्यूनतम विचलन की स्थिति। इस स्थिति में क्या होता है, इस स्थिति में आई और ई दोनों बराबर हो जाते हैं, आई और ई दोनों बराबर हो जाते हैं, जो ग्राफ हम प्रैक्टिकली बनाते हैं वो ग्राफ इस तरह का आता है, इसके अंदर इस तरह का आता है, ये दिखाई दे रहा होगा, इधर तो हम ले लेते हैं आपतन कोण, इधर ले लेते हैं विचलन कोण, थ्योरी में तो आप डायरेक्ट सीधा बढ़ा सकते हैं ग्राफ, प्रैक्टिकल में जब हम लेते हैं तो यहाँ 30 डिग्री ले लेते हैं, यहाँ 35 डिग्री ले लेते हैं, पांच पांच का अंतर ले लेते हैं, 40, 45, 50, 55, इस तरह से लगभग 5-6 रीडिंग हमें लेनी होती है, 6 रीडिंग लेनी होती है, इधर हम विचलन कोण का मान लेते हैं, तो जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं, पहले विचलन कोण का मान मान लो 50 डिग्री आ गया, फिर अगले आप आपतन कोण का मान 35 डिग्री करते हैं तो और कम हो गया, फिर और कम हो गया, और फिर मान लो फिर बढ़ने लग गया, फिर बढ़ने लग गया, तो इसका जो ग्राफ है वो इस तरह से हमें प्राप्त होता है, इस तरह से मिलता है इसका। तो ये क्या हो गया, ये जो मान है मिनिमम मान है, ये क्या हो गया न्यूनतम विचलन हो गया, इसके लिए आपतन कोण का मान न्यूनतम आपतन कोण है, आपतन कोण का मान जिसके लिए विचलन न्यूनतम हो जाए न्यूनतम विचलन की स्थिति और न्यूनतम विचलन कोण कहलाता है। तो सबसे पहली बात तो क्या हुआ, डेल्टा का मान किस पे निर्भर करता है, डेल्टा पता है डेल्टा विचलन कोण है, डेल्टा का मान किस पे निर्भर करता है, आई पर निर्भर करता है, दूसरी बात न्यूनतम विचलन क्या होता है, जब आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं तो विचलन कोण का मान घटता है, ठीक है, क्या है आपतन कोण का मान बढ़ाने पर विचलन कोण कम होता है, एक विशेष आपतन कोण पर विचलन कोण न्यूनतम हो जाता है, इसे न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। इधर हम डेल्टा ले लें, ये देखें तो ये कौन सा कोण है, ये डेल्टा ही है, लेकिन डेल्टा के लिए मिनिमम है, इससे कम डेल्टा नहीं हुआ इसमें, तो इसे क्या कहते हैं मिनिमम डेविएशन एंगल, न्यूनतम विचलन कोण, इसको डेल्टा के नीचे एम लगा देते हैं, स्मॉल एम, एम फॉर मिनिमम, डेल्टा फॉर डेविएशन, तो मिनिमम डेविएशन एंगल बोलते हैं इसको, मिनिमम डेविएशन। इतनी बात हमें इसमें बताएं, एक बात और इसके अंदर महत्वपूर्ण है कि न्यूनतम विचलन की स्थिति में न्यूनतम विचलन की स्थिति में आई बराबर ई होता है, ये बात आप ध्यान रखें, शॉर्ट क्वेश्चन में ये बात पूछी जा सकती है, हम इस बात को सिद्ध कर सकते हैं आई बराबर ई होता है। एक क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण इसके अंदर पूछा जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन जब आता है तो ये ही इस तरह से क्वेश्चन आता है इसके अंदर कि प्रिज्म से अपवर्तन को समझाते हुए न्यूनतम विचलन की स्थिति बताइए तथा प्रिज्म कोण को सत्यापित कीजिए,
तब आपको ये काम इसके अंदर करना है। ये तो गया अपवर्तन बता दिया हमने, ठीक है, ये हमने विचलन बता दिया, ये हमने न्यूनतम विचलन बता दिया, ये न्यूनतम विचलन की स्थिति बता दी। अब इसको हम सिद्ध कर देंगे और फिर हम प्रिज्म कोण का मान निकाल देंगे, ठीक है, प्रिज्म कोण की फॉर्म में मान निकाल देंगे। प्रिज्म सूत्र, प्रिज्म सूत्र कहते हैं, प्रिज्म सूत्र बताइए। प्रिज्म सूत्र क्या होता है? प्रिज्म के अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए जो सूत्र होता है उसको प्रिज्म सूत्र कहते हैं, म्यू के लिए। और म्यू के लिए वैल्यू क्या है? स्नेल का नियम। और स्नेल का नियम क्या है? साइन आई अपॉन साइन आर, पता है नहीं? लेकिन न्यूनतम विचलन होता है उस स्थिति में आई और आर के जो मान है वो हमें निकालने हैं, ठीक है। कैसे निकालने हैं वो अभी हम बात कर लेते हैं। इसके अंदर सबसे पहले तो हम ये सिद्ध कर लेते हैं आई और ई बराबर कैसे होते हैं, ठीक है। ये इसमें सारी स्थितियां आ गई है, ये जरूर आप ध्यान रखें। फिर लास्ट में चार नंबर का जो क्वेश्चन आता है उसमें ये और पूछा जाता है, विचलन कोण और आपतन कोण के मध्य ग्राफ प्रदर्शित कीजिए। तो एक नंबर का ग्राफ हो गया, एक नंबर का डिफाइन करना हो गया, दो नंबर का बीच का पार्ट जो डेरिवेशन वाला है वो हो गया। तो सबके टुकड़े रहेंगे। अगर कोई एक पार्ट आपको नहीं आता है तो घबराने की जरूरत नहीं, उसे एक पार्ट का नंबर ही हटेगा, वही कटेगा हमारा। तो बाकी तो जो आपको आता है, डिफाइन करना आता है, इसका अपवर्तन पता है आपको, न्यूनतम विचलन पता है, वो बताते आप पहले अलग अलग स्टेप वाइज बताए। अब इसके अंदर हम ले वही इसका प्रूफ अगर हम करें तो कर सकते हैं किस तरह से, ए बी सतह के अपवर्तन में क्या है, साइन आई अपॉन साइन आर वन इज इक्वल टू क्या है, म्यू। दूसरी बात, एसी सतह से अपवर्तन में साइन आर टू अपॉन साइन ई इज इक्वल टू क्या आएगा, वन अपॉन म्यू। ये हमने लास्ट क्लास में भी बात कर ली थी, ये वही बातें फिर हम यूज कर रहे हैं कि जब विरल से सघन में जाते हैं तो म्यू लेते हैं और सघन से विरल में आते हैं तो अपोजिट हो रहा है, इसलिए इसको क्या लेते हैं, वन अपॉन म्यू लेते हैं, हवा के सापेक्ष ही। अब देखो, एक हमने उत्क्रमण निर्धारक सिद्धांत हमने पढ़ा था कि म्यू जो है वो किसके इक्वल होता है, अगर उल्टा दे रखा है तो हमें, अगर दोनों घटनाएं हो रही हैं कि अगर विरल से सघन में आ रहा है तो म्यू लेते हैं और सघन से विरल में आ रहा है तो वन अपॉन म्यू लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इनमें क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन है, म्यू जो है वो किसके इक्वल है, वन अपॉन म्यू के इक्वल है अगर दोनों की स्थितियों को देखा जाए, ठीक है। तो यहां से देखें तो म्यू का मान तो हमने निकाल ही रखा है, ऊपर म्यू का मान यही तो है, इसके अकॉर्डिंग देखें तो समीकरण एक का मान दो में रख दो, ये एक है ये दो है, समीकरण एक का मान रखने पर म्यू की जगह म्यू का मान रख दो, क्या रखें, साइन आर टू अपॉन साइन ई ऐसा कैसा, और ये म्यू का मान अपॉन में जाएगा, क्या लिखेंगे, साइन आई अपॉन साइन आर वन, तो उल्टा हो जाएगा ये वन अपॉन में, तो क्या देगा, साइन आर वन अपॉन साइन आई हो जाएगा, आर वन ऊपर चला जाएगा ना, यहां लिखेंगे तो उल्टा हो जाएगा, साइन आर टू अपॉन साइन इज इक्वल टू साइन आर वन अपॉन साइन आई। अब देखा जाए तो सारी अलग अलग है, तो क्या करें, आर वन आर टू आई ई एक ही क्वेश्चन में एक ही वैल्यू सोल्व की जा सकती है, तो कितनी आ गई, चार आ गई। तो नॉर्मल वे में इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई, हम इसको कंपैरिजन से कर सकते हैं कि अंश की तुलना अंश से कर दें, नॉमिनेटर टू नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर, हर की तुलना हर से कर दें, तो दोनों की तुलना करें तो क्या आएगा, यहां से साइन ई इज इक्वल टू साइन आई, ठीक है। दोनों के अगर अगर फंक्शन बराबर है तो उनके कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे, तो आई बराबर क्या आ गया, ई आ गया। दूसरा क्या आ गया, साइन आर टू इज इक्वल टू साइन आर वन, ठीक है, तो फलन बराबर है, साइन साइन है, तो आर वन और आर टू भी क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो आर वन बराबर क्या आ गया, आर टू। ये न्यूनतम विचलन की स्थितियां होती हैं। तो इस स्थिति में एक बात और भी आप ऐड कर सकते हैं, इसके अंदर आई और ई बराबर होते हैं तथा आर वन और आर टू भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहां इसमें समीकरण तीन देते हैं, तीन में अंश व हर की तुलना करने पर
तुलना कर दो क्या आएगा, साइन आर टू बराबर साइन आर वन, और दूसरी तरफ क्या ले लें, एक बात और तुलना कर ले, साइन ई बराबर साइन आई, ऊपर ऊपर वाले वैल्यू की तुलना करते हैं, नीचे नीचे वाले वैल्यू की तुलना करते हैं, तो ये क्या हो गया, यहां से क्या आ गया आर टू बराबर आर वन, और यहां से क्या आ गया ई बराबर, तो आई और ई बराबर होते हैं आर वन और, ठीक है, तो ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है यहां से कि न्यूनतम विचलन की स्थिति में, न्यूनतम विचलन की स्थिति में आपतन कोण और निर्गत कोण में क्या संबंध होता है, एक नंबर में पूछा जा सकता है, तो न्यूनतम विचलन की स्थिति में आपतन कोण और निर्गत कोण दोनों बराबर होते हैं, और क्या बराबर होते हैं, आर वन और आर टू बराबर होते हैं, ये वैल्यूज क्या रहती है, ये वैल्यूज बराबर रहती है। अब आप इसके अंदर एक बात और, हमें ये बात तो प्रूफ हो गई जो हमने इसके अंदर ली थी, एक बात और जो सबसे महत्वपूर्ण अंतिम बात इसके अंदर, बाकी चीज खत्म नहीं हुआ टॉपिक अभी, एक दो बातें और पढ़ेंगे हम इसके अंदर, लेकिन वो सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन की ये बातें हैं, लॉन्ग क्वेश्चन की जो बातें हमने करी थी वो यहाँ खत्म हो जाएंगी, जिसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात जो जरूर पूछी जाती है वो है प्रिज्म सूत्र। प्रिज्म फॉर्मूला ये जरूर पूछा जाता है, तो ये तीन टुकड़ों में आता है क्वेश्चन, चार नंबर का जाता है कि प्रिज्म से अपवर्तन को समझाते हुए न्यूनतम विचलन की स्थिति को समझाइए, प्रिज्म सूत्र प्राप्त कीजिए तथा विचलन कोण और आपतन कोण में, ठीक है, तो प्रिज्म सूत्र को समझाने के लिए हमें इन चीजों की जरूरत पड़ती है, इसलिए ऐसी स्थिति में न्यूनतम विचलन को आपको परिभाषित करना है, ध्यान रखें ये आपको प्रूफ करके दिखाना है कि आई और ये आगे बढ़ा, ठीक है, तब चार नंबर हमें मिलेंगे इसमें चार नंबर। अब देखो न्यूनतम विचलन की स्थिति को लेते हैं अपने और उसका यूज करते हैं प्रिज्म सूत्र में। प्रिज्म सूत्र क्या होता है, प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए जो सूत्र यूज किया जाता है उसको ही प्रिज्म सूत्र कहते हैं। तो नॉर्मली वी नो दैट प्रिज्म का अपवर्तनांक क्या होता है, प्रिज्म का अपवर्तनांक अगर निकालना है तो अपने पास स्नेल का नियम सीधा सा है, म्यू इज इक्वल टू क्या है, साइन आई अपॉन साइन आर। अब इसमें आई और आर के मान हमें लिखने हैं, उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें ये स्थितियां लेनी का, नई चीज पूछनी लेनी है, जो हमने पढ़ी है वो, जो हमें पता है वो यूज करनी है, और यहां आई और आर के मान हमें निकालने, कैसे निकालने हैं, जो हमें पता उसका यूज करना है। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन दे देता हूं, समीकरण नंबर चार, इसमें मान रखेंगे आई और आर के, कहां से आएंगे, एक तो अपने पास संबंध है क्या, आई ई डेल्टा व ए में हमने एक संबंध पढ़ा था क्या, आई प्लस ई इज इक्वल टू क्या, डेल्टा प्लस, ये था ना, तो यहां क्या लें, यहां आई और ई तो दोनों बराबर है ही, आई और ई तो बराबर है, दोनों बराबर है, और डेल्टा क्या है, डेल्टा क्या है, इसी स्थिति में डेल्टा क्या है, डेल्टा मिनिमम है, तो डेल्टा को डेल्टा एम लिख देंगे, तो डेल्टा एम से कंफ्यूज नहीं है, डेल्टा एम के मिनिमम डेविएशन एंगल, डेल्टा का ही पार्ट है न्यूनतम, तो उसको डेल्टा एम लिख दे, तो इसमें कुछ चेंज नहीं करना, ठीक है, ए में कुछ नहीं करना, आई और ई दोनों बराबर है, नो दैट आई इज इक्वल टू ई, आई इज इक्वल टू ई, तो हमें तो आई का मान निकालना है, तो ई की जगह क्या रख दे, आई रख दे, क्योंकि दोनों क्या है बराबर है, तो यहां आई रख दिया हमने, यहां भी क्या रख दिया आई, बिकॉज आई इक्वल, ये बात हमने ऊपर लिख रखी है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं, तो क्या रहेगा डेल्टा प्लस ई, इधर लिख रहा हूं बात, तो आई प्लस आई कितना हो गया, टू आई इज इक्वल टू डेल्टा प्लस, और आई इज इक्वल टू क्या आ गया, डेल्टा प्लस ए बाय टू, किसका मान आ गया, किसका, आई का मान है, डेल्टा की जगह डेल्टा एम यूज कर लेते हैं बुक्स में, तो आप भी डेल्टा एम यूज कर रहे हैं इसको, क्योंकि ये कौन सी स्थिति, कौन सी है, न्यूनतम विचलन की स्थिति है, इसलिए इसको डेल्टा एम लिख देते हैं। फिर आर का मान निकालना, आर का मान कैसे निकालना, एक बात तो ये आ गई, आर वन और आर टू बराबर है, आएगा कहां से आर का मान, अब आर वन आर टू में रिलेशन हमने एक निकाला था, वो हमें ध्यान रखना है, हम जानते हैं, ठीक है, यहां प्रूफ नहीं करना है, नहीं जानते तो भी इनके नाम जानते हैं
आर वन प्लस आर टू इज इक्वल टू ए, क्योंकि पहले से इतनी बातें हमें हर हाँ चीज प्रूफ करके नहीं दिखानी है, जिसको हम सिस्टमेटिक पढ़ लेते हैं, जहां यूज करना है उसको डायरेक्ट यूज करना है। तो आर वन प्लस आर टू इज इक्वल टू ए, तो आर वन और आर टू दोनों क्या है, दोनों बराबर है, तो दोनों की जगह क्या रख दें, इसकी जगह भी आर रख दें प्लस इसकी जगह भी आर रख दें इज इक्वल टू ए, टू आर हो गया, तो टू आर इज इक्वल टू ए, ठीक है, तो आर इज इक्वल टू क्या आ गया, ए बाय टू आ गया, तो आई का मान आ गया आर का मान खत्म। अब रख दो किसमें, समीकरण नंबर चार, समीकरण चार से क्या आएगा, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक के लिए निकाला हमने फॉर्मूला, ये अपवर्तनांक म्यू इज इक्वल टू साइन आई, साइन आई की वैल्यू कितनी है, ये रही डेल्टा एम प्लस ए अपॉन टू डिवाइड बाय, पूरे के डिवाइड करना है, अपॉन साइन आर, साइन आर की वैल्यू क्या है, ए अपॉन टू, ये इसका फाइनल फॉर्मूला है। और ये दो हमने तीन क्लासेस करी हैं, ये इसकी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्लासेस हैं, इन्हीं में से ही क्वेश्चन जब आता है, अगर प्रिज्म से आता है तो इन्हीं में से बातें पूछी जाती हैं, कैसे पूछी जाती हैं, ये रिलेशन हमने जो डायरेक्ट यहाँ लिखा ना, इसको हमने डे 147 में शायद प्रूफ किए, तो इसका प्रूफ पूछ लेते हैं कि इनमें संबंध बताइए। सबसे पहले एक बात जरूर लिखी जाएगी, कोई भी क्वेश्चन आ जाए प्रिज्म से अपवर्तन को समझाते हुए, तो ये डायग्राम आप समझ लें, हमने सारा काम इसी से किया है सभी क्लासेस में, तो पहले ये अपवर्तन हमें समझाना, इसमें आपको थ्योरी बेवजह नहीं भरनी है, दो चार लाइन आप बता सकते हैं कि जब प्रिज्म की एक सतह पर प्रकाश की नाभिक होती है तो अपवर्तन के बाद विलंब की ओर मुड़ते हुए दूसरी सतह पर पहुंचती है, जब विरल से सघन से विरल में जाती है तो विलंब की से दूर हटते हुए बाहर निकल जाती है, जिस सतह पर प्रकाश की नाभिक तो होती है और जिससे बाहर निकलती है उनके मध्य बड़ा कोण प्रिज्म कोण कहलाता है, और आपतित किरण और निर्गत किरण के मध्य बड़ा कोण विचलन कोण, ये तो हो गया अपवर्तन की बात। उसके बाद अगर आपको ये प्रूफ करवाया जाए तो केवल यही प्रूफ करवाया जाएगा, ये डेरिवेशन थोड़ा सा बड़ा है जो हमने किया था एक क्लास में, तो ये आपको प्रूफ करवा दिया जाएगा, क्लियर। दूसरी बात, अगर विचलन न्यूनतम विचलन पूछी जाए तो इतनी बात की सारी पूछी जाती है, फिर बाकी बात नहीं पूछी जाती, ये कहा जाता है प्रिज्म से अपवर्तन को समझाते हुए न्यूनतम विचलन की स्थिति बताइए, एक नंबर अपवर्तन में समझा दिया डायग्राम आ गया, जिसमें एक नंबर में न्यूनतम विचलन आ गया, समझाते हुए प्रिज्म सूत्र को प्राप्त कीजिए, या ऐसे लिख देते ये भी आया हुआ है, सिद्ध कीजिए म्यू बराबर साइन डेल्टा एम प्लस ए बाय टू अपॉन साइन ए बाय टू, तो आप देख लीजिए चार नंबर का क्वेश्चन में आया ही हुआ, चार नंबर में आया, तो फिर आपको ये आया कहां से, न्यूनतम विचलन से, तो नहीं लिखा तो भी पहले न्यूनतम विचलन बताओ, उसके बाद ये प्रूफ करके बताओ कि आई इज इक्वल टू यू होता है, आर वन इज इक्वल टू आर टू होता है, और फिर आप इसको इसमें म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर में ये कंडीशन अप्लाई करके आई और आर के मान निकाल के दिखाओ और फिर वो पुट करके बताओ और फिर ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो बात बोर्ड में लिखी है, अगर चार नंबर में विचलन पूछ लिया जाए और प्रिज्म सूत्र पूछ लिया जाए तो वो वहां से यहां तक ये सारी बातें आपको सिस्टमेटिक स्टेप बाय स्टेप आपको उसमें बतानी पड़ेगी, ठीक है, तो करके देख लिया आप इनको, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ट्वेल्थ बोर्ड एग्जाम के लिए भी और कंपटीशन में, तो ये बारीक चीजें जो है इन पे ज्यादा फोकस होता है, पॉइंट टू पॉइंट, ये तो बाद की बात है जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके लिए, बाकी आपको बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है तो ये परिभाषाएं आपको सारी पता होनी चाहिए, रिलेशन सारे पता होने चाहिए, ये वाले जो ब्रैकेट में बंद कर रखे हैं ये सब पता होना चाहिए, कहीं से कोई बात पूछी जा सकती है, और प्रूफ करना है तो सिस्टमेटिक आपको पता होना चाहिए किसके बाद क्या बातें हमें पूछी गई है, क्या क्या बातें हमें इसमें बतानी है, ये पढ़ें, इनको रिवाइज करें, ज्यादा से ज्यादा लिख के देखें तो ज्यादा अच्छे से पता चल जाएगा, बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, इनके एक्सपेरिमेंट की वीडियो भी हम डालेंगे एक दो दिन में, तो वो भी आप साथ साथ देख लेंगे, एक्सपेरिमेंट कैसे करना है, फाइल कैसे तैयार करनी है, वो भी इसमें हम वीडियो बना के डाल देंगे, तो वो भी आप देखेंगा कि फाइल कैसे तैयार करनी है और प्रैक्टिकल कैसे करने हैं उनकी वीडियो, तो करने तो आपको खुद के स्कूल में पढ़ेंगे आप पढ़ रहे हैं, लेकिन कैसे करने हैं वो आप खुद कर सकते हैं, वीडियोस देख के आप कनेक्शन कर सकते हैं, कनेक्शन करके कैसे रीडिंग्स लेनी है, कैसे फाइल में लिखना है, कैसे कैलकुलेशन करनी है, वो सारी बातें आप इसमें बता सकते हैं, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।